उनको चुम जान पैदा हो गई हो। बुद्धि लोड़े खा रही हो तो धड़ाके से पूछना चाहिए, नहीं तो कचरा अंदर रह जाएगा, वो औरों को दुर्गंध मारता रहेगा, उस दुर्गंध से ढेरों की डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ऐसे तो बाबा मुरली में सब कुछ बताए देते हैं। बाबा कुछ छोड़ते हैं क्या है? नहीं, इशारे का ज्ञान है। अरे भाषा नहीं आती है तो मलयालम में बोलो, कोई अनुवाद कर देगा। अरे पूछ लो नहीं चंद्रन भाई की हुई सेवा में पानी फिर जाएगा। ऐसे तो बाबा ने बोल दिया, कोई थमाने वाले कोई भगाने वाले। बोलो नहीं बोलो तो हमको तो फायदा है, हमें ट्रेन जल्दी मिल जाएगी। बाबा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का भक्ति मार्ग का चरित्र अलग अलग तरीके से है, वो कैसे है? नॉर्थ इंडिया है स्वदेश और साउथ इंडिया है भारत का विदेश। विदेश में जो परंपराएं होंगी वो विदेशियों की परंपराएं अलग होती है और स्वदेशियों की परंपरा अलग होती है, एक कैसे हो जाएंगे? एक ही परंपरा चले दुनिया में वो तो तब होगा जब दुनिया समुद्र में डूब जाती है, सारे विदेश समुद्र में डूब, तो साउथ इंडिया भी समुद्र में डूब जाएगी, एक ही परंपरा स्वर्ग में रह जाएगी। तो एक ही है पूरा साउथ इंडिया माने, साउथ इंडिया माने साउथ इंडिया है। और एक भाई पूछ रहा है, हिंदू धर्म में कोई भी जो जन्म लेने के बाद या मरने के बाद उस परिवार में कोई मंदिर में नहीं जाता है, लेकिन दूसरे धर्म में कोई भी जो जन्म ले या मरने के बाद अपने अपने धर्म उसमें जाता है। ये जो भी बातें हैं वो कौन से युग की है यादगार? संगम युग की यादगार है। संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मर गया, अजीज बहुत प्यारा है, अच्छा बच्चा है, बाबा का भी प्यारा है, ब्राह्मण परिवार का भी प्यारा है, बहुत सर्विसेबल है, और वो मर जाता है, अनिश्चय बुद्धि बन जाता है, तो डिससर्विस हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी, डिससर्विस हो जाएगी, फिर मधुबन में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो यहाँ की परंपरा है जो भक्ति मार्ग में चल रही। और बाबा खूनी ना एक खेल का मतलब क्या है? खून ना खेल का मतलब ये है कि जो खून नहीं बहना चाहिए वो हिंसा से खून बह जाता है।
खून भी दो प्रकार का होता है, एक हद का और एक बेहद का। हद का खून तो बहता है द्वापर और कलयुग की हिंसक की दुनिया में, ये हिंसक दुनिया है द्वापर कलयुग की, यह फालतू राजा लड़ाई लड़ते रहते हैं, खून बहाते रहते हैं पब्लिक का। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून बहता है, जब संकल्पों का खून बहेगा तो बाबा की याद आएगी नहीं, नहीं आएगी। जो शक्ति है, खून भी तो शक्ति है ना, वो शक्ति छीण होती रहती है, खून बह जाता है तो आदमी कमजोर हो जाएगा या पावरफुल हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। जो कमजोर दिमाग होता है उसको फिर बाबा की याद नहीं आएगी। और बाबा ने बोला है श्रृंगार नहीं करना चाहिए, देह का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्यों बोला है? बाबा ने बोला होगा तो कोई कारण होगा ना। ज्यादा देह का श्रृंगार आदमी करते हैं कि औरतें करती हैं? हैं? स्त्रियां करती हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्यादा ये श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अगर स्त्रियां ज्यादा श्रृंगार करेंगी तो फिदा होने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो वैश्याले बने या शिवाले बनेगा? एक एक स्त्री ढेर के ढेर श्रृंगार करके निकलेगी मैं बाजार में या दुनिया में सब लोगों के सामने, तो फिदा होने वालों की संख्या तो ढेर हो जाएगी। तो वैशाली तो बनेगा, सबकी नजर, सबकी चाहना बढ़ेगी, सबकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी। जो चाहना करने वालों में उनमें कोई ताकतवर भी होंगे, गुंडे भी होंगे, वो जोर जबरदस्ती कब्जा करेंगे तो हालत खराब होंगे या हालात सुधरेंगे? हालात बिगड़ेंगे। इसलिए बाबा ने अभी बोला है अभी दुनिया बहुत खराब है, अभी श्रृंगार करने का टाइम नहीं है। तो बाबा प्रश्न, ये देवी देवताएं श्रृंगार क्यों दिखाए जाते हैं? अरे इनका दिव्य गुणों का श्रृंगार है या ये स्थूल श्रृंगार है? वहां देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण इतना तामझाम पहन करके चलेंगे क्या? तामझाम की उनको दरकार ही नहीं, उनका शरीर ही इतना सुंदर होता है, लेकिन तामझाम की कोई दरकार नहीं। वो सारा यहां ब्राह्मणों की संगमी में दुनिया में दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाया गया है। वो दिव्य गुणों का श्रृंगार करना अच्छी बात है, शरीर का श्रृंगार करना खराब बात है। और तो भाई पूछ रहा है जो ब्रह्म बाबा है वो बाप दादा बनकर मोहनडाऊ में सबको मिसगाइड कर रहा है, बाप का पाठ को पर मिसगाइड कर रहा है, मतलब शिव का पाठ के बारे में बताता नहीं है ना ब्रह्म बाबा? हाँ। पहले बताते थे? नहीं, अभी जो पहले जब जिंदा थे शरीर था उनका तब बताते थे क्या? तब भी नहीं बताते, वो तो है ही बच्चा। कृष्ण बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो जो बच्चा बुद्धि है जब मुरली चलती थी तब भी नहीं बताते थे, और अभी अव्यक्तवाणी चलती है तो भी नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन है बाबा, हाँ, वो कैसे धर्मराज बनेगा? धर्मराज बनकर उनको ब्रह्मा के धर्मराज बनेगा तब जब आत्मा संपूर्ण बनेगी तब, या अभी?
अभी आत्मा कृष्ण की संपूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। तो अपूर्ण कैसे धर्मराज का धर्म का राजा बन जाएगा? और बाबा अय्यप्पन का जो मंदिर है वो केरला में उसका यादगार इतना बड़ा मंदिर दिखाते और वहाँ कहीं ऐसा नहीं है, इसे तो केरला में ही दिखाया हुआ है अय्यप्पन का। भगवान बाप आते हैं तो कहाँ आते हैं? कहाँ आते विदेश है? अरे कहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? कौन पहचानते हैं? विष्णु पार्टी वाले पहचानते हैं? दक्षिण भारत वाले पहचानते हैं? विदेश दक्षिण भारत वाले विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी है? विदेशी हैं। तो विदेशी जो है उनकी परंपराएं अलग हैं, उनकी रीति रस्म अलग है, वो उतनी गहराई से बाप को पहचान पाएंगे जिस गहराई से समझना चाहिए। चलो इन विदेशियों की बात छोड़ दो, ये तो भारत के विदेशी हैं। जो ओरिजिनल विदेशी हैं, है कि नहीं, उन ओरिजिनल विदेशियों के भी बीज है और भारत के जो विदेशी हैं उनके भी कोई बीज है, वो कौन है? अरे सच्चेत्र में कोई बीज निकले? सब धर्मों के बीज निकले ना। उन्होंने बाप को पहचाना विदेशियों के बीज ने या भारतवासियों ने पहचाना? विदेशियों के बीज ने पहचाना। तो पूरा पहचाना या अधूरा पहचाना? अधूरा अधूरा पहचान। इसलिए भारत के जो शास्त्र बनते हैं उन शास्त्रों में देवासुर संग्राम दिखाया गया है। उस देवासुर संग्राम में जो असुर हैं, दैत्य हैं, उनको ताज दिखाया जाता है। उस ताज में कौन से पक्षी की पूंछ लगी होती है? देखा ध्यान से, धार्मिक सीरियल नहीं देखे? अरे धार्मिक सीरियल टीवी में आते हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? तो कौन सी पूंछ लगी होती है उन असुरों को? मोर की पूंछ लगी होती है, है? मुर्गा की। ये मुर्गे की पूंछ इस बात को साबित करती है कि जो भी विदेशी है वो पहचान तो लेते हैं भगवान को, अमृत वेले ही पहचान लेते हैं, अमृत वेले की शुरुआत में ही जानते हैं, पहला पहला अमृत वेला में वो जगते हैं। अमृत वेला कै बजे शुरू होता है? 12-1 बजे। शिवरात्रि कब होती है? 12 बजे शिवरात्रि होती है ना, तो वो दिन की शुरुआत विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे से मानते हैं। तो ब्राह्मण की दुनिया में वो रात के 12 कब बजे थे? 76 में उन विदेशी बीजों ने बाप को पहचान लिया। पहचान तो लिया, लेकिन पहचानने के बाद फिर अंत तक साथ लिया कि अज्ञान की नींद में सो गए? अज्ञान की नींद में सो गए, क्योंकि जब गहरी गहरी परीक्षाएं आती हैं, कौन सी गहरी परीक्षाएं? गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानम्, मैं गुह्य से गुह्य राज समझाता हूं।
तो मोटी मोटी गुहे बातें तो समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की गहराई को ज्यादा नहीं जानते। मोटी मोटी भाषा समझने समझ जाने के कारण ज्ञान में तो चल पड़ते हैं, लेकिन जब माया फाइनल परीक्षा लेती है, गहरी गहरी बातें निकलती हैं, तो उन गहरी बातों में फेल हो जाते हैं। कौन सी गहरी बातें? जिनके लिए बाबा ने बोला कि शंकर का पाठ क्या है, ये तुम बच्चे भी नहीं समझते। क्या उस गुह्य पार्ट को जो बहुत गहरे ज्ञान में घुसे हुए हैं वो ही समझ सकते हैं, नहीं तो मुरली में बोला हुआ है कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि विष पीते पीते शंकर का गला नीला हो गया, कंठ काला हो गया। अभी ये बातें समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है, माना? ये बात समझाना सहज है या कठिन है? ये बात समझाना बड़ा कठिन है, किसी की बुद्धि को उलझाना बड़ा सहज है, लेकिन गहराई तक समझाना ये बड़ा कठिन। ऐसी ऐसी ढेर बातें हैं ज्ञान में, जो विदेशी आत्माएं भाषा प्रॉब्लम के कारण गहराई तक समझ नहीं पाती है। और जो गुरु लोग होते हैं ना, वो शास्त्रों को ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं या चेले लोग ज्यादा पढ़ते हैं? चेले लोग ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु लोग ज्यादा पुराने होते हैं, ज्यादा शास्त्रवादी होते हैं। तो हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरली। हमारे शास्त्र यही मुरली हैं। तो मुरलियों की जो तिया पैंचा है उसकी गहराई में हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुरु गुरु है पुराने पुराने, वो ज्यादा तिया पैंचा जानते हैं। ज्यादा किया पैसा जानने के कारण दूसरों की बुद्धि को आराम से घुमा देते हैं। जो बेचारे भाषा आशा नहीं जानते हैं उनको उनकी बुद्धि को उल्टा करना उनके बाएं हाथ का खेल है। फिर ऐसी बातों को लेकर के बाबा के सन्मुख आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर मुझान पैदा हो जाए आना चाहिए, फिर आते ही नहीं। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो अपने को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, वो ग्लानी का डोज तो देते हैं, बाप की ग्लानी तो करते हैं, लेकिन उतनी गहराई तक ग्लानी नहीं कर पा रहे हैं जितनी ग्लानी आगे चल करके की जाएगी जब माया फाइनल परीक्षा लेगी। जब टीवी भी रंग जाएगा, सुबह से शाम तक 24 घंटे रंगेगा, अखबार भी रंग जाएंगे, इंटरनेट भी रंग जाएगा, वेबसाइट से चारों तरफ से ग्लानी ही ग्लानी गूंजेगी ज्ञान के नाम पर। जैसे पानी की बाढ़ आती है ना, तो पानी शुद्ध होता है या मटमैला हो जाता है? है? मिट्टी वाला पानी हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान की गजगोर होगी चारों तरफ सारी दुनिया में, सब भारत के अखबारों की बात नहीं कि वो देह अभिमानी की मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ फैलेगी। तो उस मिट्टी में डूबने वाले जो है वो अंधे बनेंगे या नहीं बनेंगे?
अंधे हो जाएंगे, ढेर के ढेर मरेंगे उस बाढ़ में। जिन्होंने तैरना सीखा है सागर में भी तैर सकते हैं, ऐसे तैरने वाले बचेंगे। और भाई पूछ रहे कोई इनकी बात का जवाब हो गया कि नहीं? क्या फिर भी और एक रहा, ऐसा क्यों केरला में दिखाया हुआ? दक्षिण भारत, आपकी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ। नहीं, दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी दिखाते हैं, ज्यादा मान्यता है। काले कपड़े वाले होते हैं ना, हाँ, वो अय्यप्पा स्वामी कोई दूसरे नहीं है, यही ग्लानी करने वाले लोग हैं जो काले कपड़े पहनने वाले दिखाए गए हैं। ज्ञान सुनाने वाला सफेद कपड़े वाला होना चाहिए या काले कपड़े वाला होना चाहिए? सफेद कपड़ा। जो असुर हैं वो काले कपड़े में दिखाए जाते हैं, तो वो काले कपड़े वालों को धर्मराज की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? है? जब सजा मिलती है, सोटे पड़ते हैं, तब उनके मुख से निकलता अय्यप्पा अय्यप्पा। अभी तो आराम से ग्लानी कर रहे हैं, अभी उनको कोई भय नहीं है। अभी यहां बीज पड़ भी नहीं पाया केरला। ऑल इंडिया में सभी स्टेट्स में एडवांस ज्ञान का बीज पड़ गया, नेपाल में भी पड़ गया, सिक्किम तक पड़ गया। जम्मू कश्मीर में भी पड़ गया, वहां भी मिनी मदन खुल गया। सबसे लास्ट में कहां बीज पड़ा आगे? केरला। अभी बीज पड़ भी नहीं पाया, कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तिरुपति में जाते ना माथा मुड़ाने के लिए, कोई माथा मुड़वाए और ऊपर से बादल गरजे और जोर से बरसे, पत्थर गिरे, ऐसा हो गया। ये चंद्र भाई तो बहुत दुखी हो रहे हैं। अब भाई पूछ रहे हैं, किसी को किसी ने मार डाला दिया अगर, तो मरा हुआ आदमी का जो आत्मा है वो बोल सकता है कि किसी में प्रवेश करके किसी ने मेरे को मार डाला? ऐसे क्यों नहीं बोलता? बोलते भी हैं, ऐसी बात थोड़े कि नहीं बोलते, लेकिन मानेगा कौन? प्रूफ मिलेगा कुछ तभी तो मानेंगे, प्रूफ नहीं मिलेगा तो मानेंगे कैसे? और दम महाराज को क्यों भाई सब तो दिखाते हैं? धर्मराज को क्यों भाई, जो भाई से ना भाई इंसाफ कर दिया है। धर्मराज जो है वो धर्म का राजा है, वो धर्म का राजा जब धुनाई पिटाई का पार्ट बजाता है तो वो सवारी करता है। किसके ऊपर सवारी करता है? किसके ऊपर सवारी करता है? भैंसा के ऊपर सवारी करता है। कहते हैं ना भैंस बुद्धि है, शास्त्रों में एक असुर भी गाया हुआ है, उस असुर का नाम याद है? महिषासुर, भैंसासुर। उसको सिंह दिखाए जाते हैं, भैंस बुद्धि जैसा है, अकल ज्यादा नहीं है। अब बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा धर्म है जो भैंस बुद्धि ज्यादा है? तुम कितना भी समझाओ
वो एक बात नहीं सुनने वाला। अच्छा हाँ, इस्लाम धर्म ऐसा धर्म है, मुसलमानों में से फिर भी निकले हैं, इस्लाम धर्म में से अभी इस ज्ञान में कोई नहीं निकले। ये भैंस बुद्धि है, इनकी भी कोई बीज रूप आत्मा होगी या नहीं होगी, कोई आधार मूर्त आत्मा होगी या नहीं होगी, है? होगी। तो जो आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं हैं, वो ही भैंस बुद्धि समान है, जिनकी बुद्धि में ये एडवांस ज्ञान बैठता ही नहीं है। एक बार पट्टी करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार जाके पट्टी करेंगे, चार बार करेंगे, छह छह सात सात बार पट्टी कर चुके, उन्हें चांस भी दिया गया, लेकिन फिर बाहर की दुनिया में जाकर के जीव करते हो, उनको कहा जाता है भैंसासुर। तो भाई पूछ रहे हैं, उत्तर केरला में एक त्योहार है तेयम बोलते, एक ज्यादातर कन्नूर में चलता है, इसमें पुरुष लोग ही ज्यादा, पुरुष लोग ही उसमें एक करता है, वो स्त्री लोग इसे इसमें पहनता नहीं हो, है? जो भगवान भगवान का रूप जो है पुरुष लोग ही करते हैं, है? स्त्री लोग क्यों नहीं करते? उस त्योहार की विशेषता बताओ तो कुछ पता चले, हम तो कुछ मालूम नहीं है, बताओ। वो तेयम मतलब वो भगवान का रूप मानता है, वो जो भी उस वक्त बोलता है, मतलब अपना सामने वाले के बारे में सब कुछ बोलता है, आगे क्या करना है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए भगवान का रूप हो जाता है, पूरा श्रृंगार करता है इसे, माना क्या करते हैं, तेयम अर्थात भगवान, तेयम अर्थात भगवान, भगवान का रूप मानते हैं, हाँ, भगवान का रूप है। और वो आग को ऊपर खेलते हैं ऐसे रात भर, ऐसे त्योहार एक आदमी ऐसे श्रृंगार पूरा श्रृंगार करते हैं भगवान के रूप में, और वो परिवार में जहाँ खेलता है जो भी सामने आता है उनको बताता है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, ऐसे भगवान के जैसे ज्ञान। तो भगवान आएगा तो जिसमें भगवान का रूप होगा वो तो भविष्य के बारे में बताएगा ही ना कि भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, तो वो पुरुष, वो जो श्रृंगार करता है वो पुरुष लोग ही बनता है। हाँ ठीक है, पुरुष ही बनेगा, पुरुष ही भगवान होता है, स्त्रियां भगवान होती हैं क्या? अरे गुलजार दादी भगवान का रूप हो जाएगी क्या? दुनिया भगवान के रूप में मानेगी? नहीं, नहीं मानेगी। हाँ तो आगे वही पूछ रहे कि स्त्री लोग क्यों नहीं वो पाठ करता है, पुरुष लोग ही क्यों? स्त्री करती ही नहीं है भगवान का पाठ, पुरुष ही दुर्योधन दुशासन होते हैं आग पे खेलने वाले, ये कामाग्नि है, इस कामाग्नि के ऊपर पुरुष ही खेलते हैं संगम युग में, स्त्रियां थोड़ी कामाग्नि में खेलती हैं, मुसलमानों में भी अलाव लगता है, लंबा लंबा अखाड़ा खोदते हैं गड्ढा, उसमें ढेर सारे कोयले डाल देते हैं बड़े बड़े, उनको जलाते हैं, उन कोयलों के ऊपर फिर नाचते हुए कूदते हुए जाते हैं, पूरा अखाड़ा पार करते हैं, ये आग के ऊपर डांस करना वो आग की बात नहीं है। कौन सी आग की बात है? काम आग्नि की बात है। और बाबा भी है, माता जी पूछ रहे हैं, वो केरला में दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या कोची, तो वहां से इंजल है दोनों, बुट्ठी और बुट्ठा दोनों क्लास में आ रहे हैं, वो तो बहुत पूछ रहे हैं अभी मुरली कैसे सुनेंगे, वहां तो बेसिक में नहीं जा पाते, तो अभी मुरली सुनना है इनकी इच्छा, एडवांस में आ गए। हाँ जी भी, हम बैठ रहे हैं कई घंटे, कई होते घंटे माता जी, कई होते घंटे बाबा जी, वहां तो बाबा ने बताया है कि मुरली होती है तीन प्रकार की, मुरली में ही बोला, एक होती है कागज की मुरली, वो है थर्ड क्लास मुरली,
कागज की मुरली पढ़ते हैं और पढ़ करके सुनाते हैं और सुनने वाले सुनते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं। उस मुरली को बोला है थर्ड क्लास मुरली। किसने बोला, किसने बोला थर्ड क्लास मुरली? शिव बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा के मुख से कि कागज की मुरली जो सुनते हो, पढ़ते हो, सुनाते हो, वो है थर्ड क्लास मुरली। टैप रिकॉर्डर में जो सुनते हो और सुनाते हो, वो है सेकंड क्लास। और वीडियो में जो सुनते हो, सुनाते हो, वो गुड सेकंड क्लास। और सन्मुख सुनते हो बाबा से, वो है फर्स्ट क्लास। तो बेसिक में कौन सी मुरली मिलती है? थर्ड क्लास मिलती है। वो तो छोड़ दी तो अच्छा हुआ ना, थर्ड क्लास स्टूडेंट बनना है क्या? अब यहाँ एडवांस में कौन सी मुरली अवेलेबल है? गुड सेकंड क्लास। हाँ, सेकंड क्लास और गुड सेकंड क्लास दोनों ही अवेलेबल है। चाहे तो टेप रिकॉर्डर में सुनो, ट्राईपॉड में सुनो। और वो क्या होता है छोटा सा? आईपॉड। हाँ, आईपॉड तो ओ, अरे वो कंप्यूटर में लगा करके पेन ड्राइव, चाहे पेन ड्राइव से सुनो, वो सेकंड क्लास है। और वीसीडी में, डीवीडी में देखो, टीवी में देखो, गुड सेकंड क्लास। और बाबा के सन्मुख जाकर के सुनते हो, अगर विश्वास हो गया है कि बाबा साकार में आया हुआ है, साकार में निराकार आया हुआ है, तो सन्मुख जाके सुनेंगे, वो है फर्स्ट क्लास मुरली। उसका नशा ज्यादा टाइम रहेगा। और ये भी बताया कि मुरली जो सुनाते हैं वो ही मुरली नहीं है, बाबा से बातचीत करते हो ये मुरली नहीं है क्या? अर्थात बाबा से बातचीत करना भी मुरली है, वो भी सन्मुख मुरली है, वो भी फर्स्ट क्लास मुरली है। तो इस भाई का प्रश्न है, जो 4.5 लाख कंचन गाय बनते हैं, 4.5 लाख मनुष्य आत्मा है, तो ये जानवर के आत्मा कैसे आता सत्य में? अरे मनुष्य ही जानवर बने पड़े, उनकी तो पहले सोच लो, तब जानवरों की सोचना। सीधी सी बात है, मन मनुष्य के अंदर होता है या जानवरों में होता है? मन की ताकत किस में ज्यादा है? मनुष्यों में। मन की ताकत से मनुष्य सारे वायुमंडल को, वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। इसका प्रूफ, जंगल में जो जानवर रहते हैं मनुष्य के वाइब्रेशन से दूर है या नजदीक है? दूर है। उनको ज्यादा बीमारियां लगती हैं? या मनुष्य के वाइब्रेशन के अंदर शहर में, गांव में जो जानवर रहते हैं उनको ज्यादा बीमारियां लगती हैं? मनुष्य के वाइब्रेशन क्यों लगती हैं? क्योंकि मनुष्य वाइब्रेशन को बिगाड़ भी सकता है, बिगाड़ी भी बना सकता है, और मनुष्य वाइब्रेशन को सुधार भी सकता है। मनुष्य के सुधरने से जानवर अपने आप सुधर जाएंगे, मनुष्य के बिगड़ने से जानवर अपने आप बिगड़ जाएंगे। जानवरों की चिंता न करो, किसकी चिंता करें, अपनी जाति की चिंता करो। बाबा, शिवरात्रि का दिन इधर श्री कृष्णा टेम्पल से
श्री कृष्ण का विग्रह को उठाकर वहाँ तालिप्रमा में एक राजराजेश्वर क्षेत्र है, शिव का क्षेत्र, उस दिन उस विग्रह को लेकर वहाँ कहते हैं बाप के गोद पर बिठाने के लिए जाता है, तो इस संगम युग से क्या संबंध है? श्री कृष्ण विग्रह को शिव के मंदिर में उठाकर लेते हैं और कहते हैं बाप के गोद में बैठाने के लिए जाते हैं, तो इसमें संगम युग से कोई संबंध है, किसका याद है? शहर का नाम क्या है? पहले भी बताया था श्री कृष्ण, पहले भी नाम बताया था श्री कृष्ण, इस शहर का नाम बताया था ताली परम्बा। ताली माने क्या होता है? ये क्या है? ये ताली है ना, परा ऐसी ताली जो परे के परे स्टेज वाली ताली है, ताली है, दो हाथों से ताली बजती है। ताली बजने का मतलब है संस्कार मिलाना, दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों मिलकर के एक होते हैं तो ताली बजती है। तो परे से परे स्टेज की जो ताली बजती है वो तब बजती है जब अम्बा, अम्बा माने जगदम्बा, जब जगदम्बा के संस्कार लक्ष्मी से जाकर मिल जाते हैं तब महालक्ष्मी गाई जाती है। उनमें मां का पार्ट किसका है और लक्ष्मी का पार्ट किसका है? ग्रह लक्ष्मी का पार्ट। राजाएं होते थे, उनके दरबार में राजमाता भी कुर्सी पर बैठती थी गद्दी पर, और लक्ष्मी भी गद्दी पर बैठती थी। ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? राजमाता को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, परंतु राजकाज कौन संभालता है? राजलक्ष्मी संभालती थी। राजाएं तो युद्ध में चले जाते थे, बाहर का कनेक्शन राजाओं संभालते थे, घर परिवार अंदर संभालना लक्ष्मी के हाथ में, गृह लक्ष्मी के हाथ में। लेकिन मान मर्तबा ज्यादा किसको मिलता? अम्बा को। क्यों मिलता? क्योंकि अम्बा ही कृष्ण बच्चे को बाप के सुपुर्द करती है, बाप को सौंपती है। अम्बा का पार्ट अन्नपूर्णा देवी जैसा है, शंकर जी को अन्नपूर्णा से भिक्षा लेते हुए भी दिखाते हैं। काहे की भिक्षा देती है? हाँ, जो भिक्षा दुनिया में कोई ने नहीं दी वो भिक्षा सबसे पहले जगदम्बा देती है, प्यार की भिक्षा। बिना शरीर के प्यार होता है क्या? होता है? नहीं, है नहीं होता। वो प्यार की भिक्षा देने वाली जगदम्बा पहले पहले भिक्षा देती है शंकर जी को, इसलिए अन्नपूर्णा देवी के रूप में गाई जाती है, और तुलसी के रूप में भी उसकी पूजा होती है। क्या गायन है कि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो जब तक तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे भोग में तब तक भोग उनका पूरा नहीं होता। ऐसी मान्यता क्यों है?
मान्यता नहीं, प्रैक्टिकल में करते भी हैं भक्ति मार्ग में। क्यों करते हैं? जरूर जगदम्बा ने भगवान के सामने अपने को पहले भोग में चढ़ाया है। पहला पहला भोग जगदम्बा का लगा है, फिर और बाद में जो ढेर की ढेर सरेंडर हुई है वो बाद में। इसलिए वो एक प्रकार की माता का पार्ट है कृष्ण के लिए। तो कृष्ण बच्चे को जगदम्बा बाप की गोद में पेश करती है। इसका यादगार है ताली परम्बा। अम्बा जी का पूजा ज्यादा नॉर्थ इंडियन में करते हैं, साउथ इंडियन में अम्बा जी नहीं है, विष्णु नहीं तो श्री कृष्ण का पूजा होते है ज्यादा। अम्बा जी कितना मान लेते हैं नॉर्थ इंडियन में? अम्बा का मेला सबसे बड़ा लगता है। इतना बड़ा मेला न कृष्ण का लगता है, न नारायण का लगता है, न कोई दूसरी देवी का लगता है। जितना बड़ा मेला अम्बा का लगता है। जरूर मिलन मेला सबसे जास्ती किसने मनाया होगा? जगदम्बा ने भगवान के साथ मिलन मेला जास्ती मनाया है। इसलिए उसकी यादगार में जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती भक्त लोग मनाते हैं। भक्त लोगों का है मैला होने का मेला, और जगदम्बा कौन सा मेला मनाती है? वो पवित्र होने का मेला है, मिलन मेला है। जिस मेले से याद आती है, किसी से मिलेंगे जुलेंगे तो उसकी याद आएगी कि नहीं? आएगी। ऊपर ऊपर से भी मिलना होता है और गहराई से भी मिलना होता है। कोई ऊपर ऊपर के संबंध होते हैं, कोई गहराई के संबंध होते हैं। ज्यादा गहरा संबंध किसका होता है? कौन सा संबंध है जो बहुत गहरा है? पति पत्नी का। वो सबसे जास्ती याद आता है। इतना जास्ती याद आता है कि मृत्यु के समय स्त्री चोला होता है तो वो पुरुष को याद करते करते शरीर छोड़ता है, और पुरुष चोला होता है तो किसको याद करते करते शरीर छोड़ता है? मोस्टली स्त्री को याद करते करते शरीर छोड़ता है। पुरुष होते हुए भी स्त्री को याद करते करते शरीर छोड़ता है तो स्त्री का जन्म मिलता है, अंतमते सोगते हो जाती। याद का इतना महत्व है। वो याद तभी आती है जब मिलना जुलना होता है, कनेक्शन में आना होता है। कनेक्शन में कभी ना आए और याद बहुत आए, ऐसा हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, झूठ बोलते हो। लक्ष्मी जो बनने वाली है और नारायण जो बनने वाला है, वो लक्ष्मी नारायण के कनेक्शन में आती है? हैं? नहीं आती, अभी तक नहीं आती, आगे आएगी, आएगी। अगर आएगी तो वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने की क्या जरूरत? फिर तो शरीर की इंद्रियों का ही संयोग हो जाना चाहिए। वाइब्रेशन से होता है ना, तो वाइब्रेशन तभी होगा ना जब मनसा से संयोग होगा, देह का कोई भी संयोग नहीं होगा। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, देखते भी नहीं है, उनका मन का कनेक्शन लगा हुआ है। और नीचे राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऊंची स्टेज किसकी है? संगम की लक्ष्मी नारायण है, उनकी ऊंची स्टेज है। वो वाइब्रेशन से ही सुख ले रहे हैं, इंद्रियों की दरकार ही नहीं। उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख।
इंद्रियों से अतीत का सुख, अतीत माने बीत गया, खत्म, जितना इंद्रियों से सुख लेना था अतीत में चला गया, अतीत माने पास्ट, उसकी दरकार ही नहीं। लक्ष्मी तो मिलती ही नहीं, फिर उसको कैसे याद आती है, है? कैसे याद आती है जब मिली नहीं, जुली नहीं, कनेक्शन में नहीं आई, तो याद कहां से आ गई? एक राम की याद। अरे राम, राम की याद के लिए भी मिलना जुलना जरूरी है कि नहीं? कनेक्शन में आना जरूरी है या नहीं? रसगुल्ला खाया होगा, खाएंगे ही नहीं तो याद आएगा? संकल्प से। संकल्प कैसे याद आएगा? संकल्प से। अरे पुरुष को स्त्री याद आती है, स्त्री को पुरुष याद आता है, कभी याद आता है? संकल्प से याद आता रहता है, प्रैक्टिकल में कभी नहीं मिलते, झूठ बोलते हैं। हाँ, माने 63 जन्म का उनका हिसाब किताब ऐसा जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी और नारायण का ऐसा पवित्र हिसाब किताब जुड़ा हुआ है कि एक के सिवाय और किसी दूसरे से उन्होंने मेल किया ही नहीं है लक्ष्मी ने, इसलिए 63 जन्मों का जो उनका हिसाब किताब है कनेक्शन में आने का, वो खींचता रहता है संगम युग में। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं ना, और आत्माओं का ऐसा नहीं है, और आत्माओं का नंबर वार है। देव और देवियों में देवियों का पूजा ज्यादा होती है, और संगम युग यादगार कैसा? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी ज्यादा देवियों ने धारण की है या देवियों ने धारण की है पुरुषों ने, तो उनकी पूजा ज्यादा होती है, सीधा सा हिसाब है, पूछने की बात ही नहीं। बाबा 108 की माला एक एक धर्म में बनता है या सनातन धर्म में ही बनता है? 108 की माला और धर्मों की माला कम होगी या जास्ती होगी? कम मणकों की होगी कि जास्ती धर्मों मणकों की होगी? ऊंचते ऊंच पद, ऊंचते ऊंच कुर्सियां देवी देवता धर्म में है या सभी धर्मों में है? देवी देवता धर्म में ज्यादा ऊंचे हैं, और दूसरे धर्म में तो पूर्वज होते ही नहीं। पूर्वज जो होते हैं, जो उनका बहुत मान होता है, पूर्व में सबसे पहले जन्म लेने वाले, वो सनातन धर्म में होते हैं या दूसरे धर्मों में होते हैं? सनातन धर्म में होते हैं, तो उनके नंबर भी ज्यादा होंगे माला के मणके, और धर्मों में इतने माला के मणके नहीं होंगे। और 2012 का कुछ विशेषता है क्या? 2013 की क्यों नहीं पूछी, 12 की क्यों पूछी, 11 की क्यों नहीं पूछी? अरे 2010 के बारे में क्यों नहीं पूछा? तो 2012 में दुनिया खत्म हो जाने वाली ऐसे सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, माने सभी भगवान को सर्वव्यापी बोल रहे हैं, तो हम भी बोलना शुरू कर दें। इधर एक कहावती में बोलता 2012 में विनाश हो जाए, सभी जो कुछ बोलना शुरू कर दें वही हम भी बोलना शुरू कर दें। सभी बोल रहे हैं, उसका बोलने वाले कोई कारण बता रहे हैं? बता रहे हैं बिना कारणों कार्य के ऐसे ही बक्का बकता रहे तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। चलो बक रहे, बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है, जैसे सारी दुनिया बोलती है भगवान सर्वव्यापी है, बोलती है ना,
सर्वव्यापी है ये बोलती है ना, तो उसका कारण क्या हुआ? ये कारण निकला होगा कहीं से, संगम से क्या कारण निकला? 7 बजे तक भगवान, 7 बजे से 8 बजे तक सर्वव्यापी होता है। ये बात नहीं है, भगवान तो एक व्यापी ही होकर इस सृष्टि पर आता है, परंतु जिसमें व्यापक होकर के आता है सारी दुनिया उसके आत्मिक रूप को देखती है या साकार रूप को ज्यादा याद करती है? किसको ज्यादा याद करती है? साकार रूप को सारी दुनिया याद करती है। तो सबकी बुद्धि में 500-700 करोड़ की बुद्धि में वो साकार व्यापक हो जाएगा या निराकार व्यापक हो जाएगा? साकार व्यापक हो जाएगा। इसलिए सारी दुनिया सर्वव्यापी सर्वव्यापी करती है। वास्तव में जो असली भगवान है निराकार निरंजन परम ब्रह्म अभोक्ता अकर्ता असोचता, उसको सारी दुनिया थोड़ी याद कर पाती है। ऐसे ही ये जो अभी माया सभ्यता की जो कैसेट निकल पड़ी है चारों तरफ जोर से प्रचार हो रहा है कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। अरे अकल से सोचने की बात है, जब बाबा ने बोल दिया संगम युग 100 साल का है तो हम ब्राह्मणों की ये बात उठानी चाहिए कि 2012 में विनाश हो जाएगा है? ये तो बात उठानी नहीं चाहिए, लेकिन अविश्वास पैदा होता है तो ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि दुनिया बोलती है तो सच्चाई कुछ तो होगी, तो यही सच्चाई है? कि जो शास्त्रों में लिखा है पांडवों को वनवास मिला 12-13 साल का, रामायण में लिखा है कि राम सीता को वनवास मिला 13-14 साल का, वो 13-14 या 12 साल 2012 में पूरे होते हैं। एक बीज में सारी सृष्टि समाई हुई है, तो एक बीज में 5 पांडव नहीं समाए हुए हैं? समाए हुए वो एक बीज की हिस्ट्री है कि 1998 में कृष्ण के रूप में प्रत्यक्षता होती है जेल से, वो प्रत्यक्षता होने के बाद भगवान को भागे भागे फिरना पड़ता है। कृष्ण के लिए शास्त्रों में दिखाया है गांवों गांवों में भागते रहे कंस के डर से, और राम के लिए दिखाया है कि जंगल जंगल में भागते रहे, शंकर के लिए दिखाया है, शंकर को भी भगवान कहते हैं ना, शंकर के लिए दिखाया है कि भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागते रहे। भागते रहे या नहीं? यहां भी ये प्रश्न करते हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण कि तुम्हारा बाबा भगवान है तो भागा भागा क्यों फिरता है? भगवान है तो उसे भागा भागा फिरना चाहिए? अरे भगवान कोई कायर है क्या है? फिर भागा भागा क्यों फिरता है? खून खराबा नहीं होने, खून खराबा नहीं होने, हाँ फालतू का खून खराबा करने से क्या फायदा? युक्ति से काम निकाल लेना चाहिए, जैसे रामायण में दिखाया जैसे महाभारत में दिखाया कि पांडवों को वनवास मिला
तो 98 की बात 99 से ये गुप्तवास की टाइम की शुरुआत होती है। उस समय अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला भी था, दुनिया वालों के लिए बाप दादा गुप्त हो गए आंखों से, और तुम बच्चों के लिए बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए। 99 की वाणी है, 2000 के लगभग की अव्यक्तवाणी। तो उस समय से 2000 से लेकर के 2011-12 तक ये 12-13 साल पूरे होते हैं। पांडवों का जब गुप्तवास पूरा होगा तो महाभारत युद्ध होगा या नहीं होगा? है झगड़ा होगा। तो झगड़े की बात दिखाई गई है। जो 12 साल पूरे होने के लिए आसार लगा रहे हैं कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, दुनिया इतनी छोटी थोड़े ही है जो चुटकी मारते ही विनाश हो जाएगा। हाँ, विनाश की शुरुआत हो जाएगी। लक्ष्मी आएगा, लक्ष्मी आएगा, कौन आएगा? लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। 2012 में लक्ष्मी आएगा क्या? तो लक्ष्मी आएगी। ये कौन से क्या महाभारत में लिखी है कि जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो लक्ष्मी आ जाती है? और लक्ष्मी आने के लिए तो बोला है लक्ष्मी आई और खेल खलास। तो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है। तो जगत विद्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या? सन्यासी लोग बोलते हैं जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, वो बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, भगवान ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, झूठा है ही नहीं। जैसे वशिष्ठ जी ने राम को कहा, राम को शिक्षा दी, हे राम तुम ये समझो कि जैसी ये दुनिया बनी ही नहीं। माना राम की जिंदगी में ऐसे ऐसे धक्के लिखे हुए हैं जो उनके गुरु ने ये समझानी थी, तुम ये समझो ये दुनिया बनी नहीं। क्योंकि जो भी दुनिया आने वाली है वो दुख बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? दुनिया में स्वर्ग बढ़ेगा या नरक बढ़ेगा? नरक बढ़ता जाएगा। ब्रह्मा बाबा तो विनाश की बात को देख करके रोने लग पड़े थे। तो ये स्टेज बनाने के लिए बोला, बिनु बैराग बिरे विवेक न होई, इस दुनिया से बैराग प्राप्त करो, दुनिया से बैराग आ जाएगा, ज्ञान में बुद्धि टिक जाएगी। केरल में कई लोगों ने अपने घर में किसी फंक्शन होने पर पहले विघ्नेश्वर पूजा करते हैं, अंदर आप घर के अंदर में विघ्नेश्वर पूजा करते हैं, शाम को बाहर में घर के बाहर में उत्तपन पूजा करते हैं, उसमें शराब भी पीते हैं, कई की पूजा करते हैं, उत्तपन बोलते हैं, उत्तपन स्वीकार कन्नूर में एक मंदिर है, क्या करते हैं? कन्नूर में एक मंदिर, ये बोला वो मंदिर भगवान का नाम है मुत्तपा, मुत्तपा। हाँ,
उनको बहुत आता है, मछली भी देखते हैं, मछली भी देखते हैं, शराब भी देखते हैं। सवेरे का पूजा तो अच्छा है, सवेरे की कृष्ण की पूजा करते हैं। जैसे भारतवर्ष में कृष्ण को दिखाते हैं श्रीनाथ द्वारा, तो वहाँ अच्छे अच्छे 36 प्रकार के भोग लगाते हैं, माने कृष्ण की अच्छी अच्छी पूजा करते हैं सवेरे को, है ना? वो सवेरे का टाइम है। सवेरे का टाइम माने जब कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है, उस टाइम की बात है। सवेरे गणेश को पूजा करता हो, वो गणेश और कृष्ण एक ही तो बात है, गणेश कोई अलग थोड़े ही। उसके बाद फंक्शन के तो फंक्शन होने के बाद फिर शाम को जो है वो मुत्तप्पा की पूजा करते हैं। मुत्त कहते हैं मूत को, अप्पा माने बाप, मूत का बाप, तो वो तो है ही मुत्तप्पा। ये आंख लड़ाना ही ब्राह्मणों की दुनिया में शराब है, तो मुत्तप्पा से ज्यादा कौन से शराब पीता होगा? मछलियां जो हैं वो ब्राह्मणों की ज्ञान की दुनिया में सागर में मछलियां ही मछलियां होती है, ढेर की ढेर मछलियां सरेंडर होके आती हैं, उनमें भांति भांति की मछलियां होती हैं, कोई कोई बहुत बदबू मारती है, कोई कोई बड़ी अच्छी होती है, देखने में ही बहुत सुहैनी और एकदम जैसे कि तबीयत खुश हो जाए। और किसी को अगर ज्ञान सुनाना है या कुछ समझाना है, वो अपने आप हम समझाना चाहिए या वो पूछने के बाद देना चाहिए ज्ञान? संदेश हमें अपने आप देना है या कोई पूछे मांगे तब देना है? अरे भगवान का संदेश सबको देना है, संदेश वाहक पूरा सबको बनना है, सारी दुनिया के लिए बनना है, या कोई भीख मांगे तब देना है? सारी दुनिया है, सारी दुनिया को अपने आप ही देना है। भीख मांगने वाले को दिया तो क्या भैया, बिना मांगे ही पता लग गया कि ये भूखा है, उसको दे दो। पैगाम देना है ना भगवान का, तो कोई मांगेगा तभी पैगाम देंगे। बाबा दुकान तुमको पैगंबर बनना है, सारी दुनिया को पैगाम दो, जो मांगने की दरकार ही न रहे। और ओम शांति। टाइम हो रहा है, बार बार इंडिकेटर मिल रहा है।